हेलो फ्रेंड्स, हमारे इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज ये देखेंगे जैसे बाथरूम के अंदर है ग्लास का पार्टीशन किस प्रकार से लगाया जाता है, क्या कॉस्ट पड़ता है और किस मेथड से लगाया जाता है। इसमें साथ ही हैंगर वाला भी देखने वाले हैं, जैसे आपको कर्टन्स लगाना रहता है वाटरप्रूफ वाला बाथरूम के अंदर शावर के एरिए में, तो वो भी देखने वाले हैं। यहाँ पर देख रहे हो नीचे की साइड में पूरा क्लेम्प मार देंगे और फिर इसी प्रकार से ऊपर की साइड में यहाँ पे एक क्लेम्प मार देंगे। दोस्तों, यदि आपका इस प्रकार से आ जाता है तो आप नीचे की साइड में एक क्लेम्प लगा सकते हो, एक ऊपर की साइड में भी क्लेम्प लगा सकते हो। यदि ग्लास का साइज़ छोटा रहता है तो छोटे में आप पाइप का यूज कर सकते हो। जैसे आपको बाथरूम के अंदर कर्टेंस लगाना रहता है तो आप पाइप का यूज कर सकते हो। जैसे यहाँ पे है पार्टीशन, यदि फुल लगाते हो तो उससे कॉस्ट ज़्यादा बढ़ जाता है, तो उसके लिए आप कर्टन्स का भी आप यूज कर सकते हो। यहाँ पे देख रहे हो दोनों अवस्था में लगाने वाले हैं, यहाँ पे ग्लास भी लगाने वाले हैं और ऊपर की साइड में यहाँ पे कर्टन्स भी लगाने वाला है। जितना टॉयलेट सीट था उसके हिसाब से यहाँ पे 3 फुट का यहाँ पे ग्लास दिया गया है और आगे की साइड में यहाँ पे शावर के लिए स्पेस है। दोस्तों, यदि आपको इस प्रकार से लगाना रहता है तो आप जैसे पूरा स्लाइडिंग, यदि कोई बजट ज़्यादा रहता है तो आप जैसे पूरा स्लाइडिंग वाला यहाँ पे 2 डोर बना सकते हो, अथवा एक सेंटर में ओपनेबल और दोनों साइड में फिक्स वाला ग्लास भी आप बनवा सकते हो। दोस्तों, यदि इस प्रकार से ग्लास का पार्टीशन फिटिंग के साथ में लगाना रहता है तो आपका जो कॉस्ट है 300 रुपये पर स्क्वायर फीट का कॉस्ट पड़ जाता है। और यदि आपका ग्लास ग्लास का कॉस्ट जो फिटिंग रहता है तो उसका जो कॉस्ट रहता है वो पड़ जाता है 250 रुपये स्क्वायर फीट के हिसाब से कॉस्ट पड़ जाता है, और फिटिंग वगैरह है वो अलग से रहती है। और यहाँ पे देख रहे हो जैसे 1250 है, 1250 का वॉल प्लग मार देंगे। दोस्तों, यदि अब आपको इस प्रकार से लगाना रहता है तो आप ग्रेनाइट बिट का यूज़ कर सकते हो। जैसे एक पहले ग्रेनाइट बिट से होल कर देंगे, फिर है आप हैम्बर द्वारा 6 mm हैम्बर के बिट से भी आप होल कर सकते हो। यहाँ पे है, ग्लास प्रॉपर से लग गया है और ग्लास का साइज़ है 12 mm का ग्लास रखा गया, टफन वाला ग्लास है। टफन वाला ग्लास दोस्तों आपको बाथरूम में रखना रहता है और आप सादा भी रख सकते हो, टफन वाला बेटर रहता है सादे ग्लास से। और यहाँ पे ऊपर की साइड में यहाँ पे क्लेम्प लगा रहे हैं कर्टन्स के लिए। कर्टन्स है, जैसे कर्टन्स ये अलग आता है, जैसे बेडरूम में जो लगता है वो नहीं रहता है, यहाँ पे वाटरप्रूफ रहता है, उसमें पानी वगैरह लगने पर कोई दिक्कत नहीं रहती है। और यहाँ पर पूरा पाइप है, वाल टू वाल पाइप है लगा देंगे। पाइप का आप 1 इंच का इस्तेमाल कर सकते हो और अथवा 1.5 इंच का भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। इसमें है थोड़ा हेवी पाइप लेना रहता है। और यदि ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो आप पार्टीशन में भी पकड़ हो जाती है। आगे चल के वीडियो में देखेंगे जैसे पार्टीशन का जो आगे का हिस्सा है वो भी प्रॉपर से यहाँ पे पकड़ लेगा और दोनों ही काम है प्रॉपर से हो जाएंगे। Thank you.